आपको हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन और आज हम 10th क्लास के टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल की बात करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो उसको तैयार करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और एक चैप्टर जो सिमिलर ट्रायंगल अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको टीचर आपको पढ़ाने से पहले ही कह देते हैं, भैया बहुत ही हार्ड चैप्टर है, तेरे से नहीं होगा। ठीक, ट्यूशन वाले भी कई बार कह देते हैं भैया बहुत हार्ड चैप्टर है, और कई बच्चे जिनका पढ़ने में मन नहीं है या जिनको कम समझ में आता है वे भी कह देते हैं भैया बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आएगा। मेरी वीडियो देखना, समझना, और जो जो आपको कहे कि आपको समझ में नहीं आएगा उन सबको आप पढ़ाना शुरू कर देना, उन सबको आप समझा देना, बिल्कुल उनको कराना शुरू कर देना। मैं गारंटी ले रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर हो जाएंगे, आपका बेसिक इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा कि आप किसी क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे किस डायरेक्शन में लेके चलना है और कैसे लेके चलना है, और आप इंजॉय करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो हमारा चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल, शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं सिमिलर ट्रायंगल क्या है। सिमिलर मींस एक जैसे। तो एक जैसे का क्या मतलब हुआ? एक जैसे आपने दो जनों की कार देखी और दोनों को बता दिया यार दोनों एक जैसी लग रही है, तो क्या वो सिमिलर हैं? जरूरी नहीं है कि वे दोनों सिमिलर हों, ठीक है। लेकिन आपने एक कार की फोटो खींची, एक कार की फोटो खींची, तो क्या वो कार उस फोटो के सिमिलर है? यस, वो कार उस फोटो के सिमिलर है। अभी हम एक दो एग्जांपल की बात करते हैं, फिर मैं आपको बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बताऊंगा बात, हम बात क्या कर रहे थे। चलिए मान लीजिए आपने फोटो खिंचवाई 10 कार की, तो क्या वो 10 की 10 आपस में सिमिलर है? यस, वो 10 की 10 फोटो आपस में भी सिमिलर है, और वो फोटो जो कार है एक्चुअल कार के भी सिमिलर है। ताजमहल आप पूरी दुनिया में कहीं भी उसकी फोटो देख लीजिए, आप जो एक्चुअल में हैं वो भी देख लीजिए, वो सब सिमिलर हैं, क्योंकि उसी ताजमहल की फोटो है। सिमिलर का मतलब क्या हुआ? आपने अपनी फोटो देखी, क्या वो आपके सिमिलर है? बिल्कुल। अब आपने एक फोटो आर्टिस्ट से बनवाई आपने, तो क्या वो सिमिलर है? वो सिमिलर नहीं है। सिमिलर क्यों नहीं है और सिमिलर क्यों है वो देखते हैं हम कार का आपका ये एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप हैं, तो आपकी जो फोटो है उसमें आपकी आंख और कान और नाक, ठीक, का जो आपस में रेशो है वही आपका एक्चुअल में है। अगर आपकी कान आंख और नाक का रेशो बिल्कुल फिट है तो फोटो में ऐसा नहीं है, कान झाज जैसे आ जाएंगे, आमिर खान जैसे झाज नहीं बनेंगे, बिल्कुल उसी रेशो में आएंगे, रेशो बिल्कुल फिक्स रहेगा, ठीक है। अब हर बच्चा ए बनाता है तो क्या वो सिमिलर है? नहीं, वो सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है सिमिलर? क्योंकि एक में ए का डंडा यहां आता है, किसी के में यहां आता है, किसी के में यहां आता है, किसी के में ये घूम पे आता है, किसी के में ये घूम पे आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो केवल फोटो आएगी, अगर इसकी फोटो खींचेंगे तो वो फोटो इसके सिमिलर होगी, क्योंकि उसमें साइज का रेशियो बिल्कुल सही आएगा। फनी मिरर में आप अगर अपना आपको देखें, फनी मिरर जिसमें मुंह चौड़ा पतला आता है, वो आपका सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट रेशियो नहीं आएगा। तो सिमिलर का मतलब क्या हुआ? जब आप किसी चीज को उसकी फोटो से कंपेयर करते हैं तो वो सिमिलर होता है, ठीक हो गया। एक चूड़ी से आप कितने भी गोले बना लीजिए वो सिमिलर होंगे, कंपास से आप कितने भी गोले बना लीजिए वो सिमिलर होंगे। देखिए ये आपने गोला बनाया, ये मैंने हाथ से बनाया, ये मैंने हाथ से बनाया, ये सिमिलर नहीं हो सकते कैसे भी। लेकिन जब हम कंपास लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस, ये 6 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस कितना भी ले आप, लेकिन ये सब आपस में सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि इसका रेशियो देखो, कोई लेगा 5 5 5 5 है, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी 4 रहेगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। ऐसा नहीं है ये 5 है तो ये 4 है, और ये 5 है तो ये 3.99 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रेशो सेम होना चाहिए। तो यहां पे आपको एक बात पता लगी है कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उसकी खास प्रॉपर्टी क्या है? उसकी खास प्रॉपर्टी यही होती है कि जो एक चीज, कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट लें,
तो उन दोनों के अंदर जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं उनका जो है रेशियो सेम रहता है ओवरऑल, हमेशा हर जगह हर चीज का हर तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम किसी चीज की फोटो खींचते हैं तो फोटो उस एक्चुअल चीज के जो है सिमिलर होती है। चलिए अब आपके दिमाग में जो चीज आई है दूसरी वो बताता हूं मैं, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है। देखिए सिमिलरिटी, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। देखिए कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ रखा है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, साइड्स आर इक्वल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में होता है साइड्स आर इक्वल। इसमें साइड्स इक्वल की कंडीशन नहीं होती, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशो में, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होती है सेम रेशो में। अब बात ये रही कि सर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड समझते हैं, यहां पर देखिए ये ट्रायंगल छोटा सा लिया आपने एबीसी पीक्यूआर, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होगा वो देखते हैं। मान लीजिए ये एंगल आपका 60 है, ये 40 है, तो ये कितना बचता है 80, ठीक है ना, 60 40 80। यहां पर मान लीजिए ये 60 है, ये 40 है और ये 80 है, ठीक हो गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जो साथ के, देखिए 80 और 60 के बीच में कौन है AB, 80 और 60 के बीच में कौन है AB, ठीक। और यहां पर 80 और 60 के बीच में कौन है PQ। चलिए 40 और 80 के बीच में यहां क्या है AC, 40 और 80 के बीच में क्या है AC, और यहां पर 40 और 80 के बीच में है QR। अब देखिए यही बात, बस ये बात समझिए, 40 और 80 के बीच में AC है यहां पर, और यहां पर 40 और 80 के बीच में है QR, ठीक। ये है कॉरस्पॉन्डिंग साथ की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर लेफ्ट की लेफ्ट और राइट की राइट, ना, हमेशा ये एंगल से कंपेयर किए जाते हैं, कौन सा एंगल दे रखा है और किस तरह से दे रखा है, ठीक हो गया। और तीसरा क्या होता है, 60 और 80 के बीच हो गया आपका ए बी, एसी हो गया, अब बचता है बीसी। चलिए बीसी तो मैं लिख ही देता हूं, बीसी है 60 और 40 के बीच, और यहां 60 और 40 के बीच कौन है पी आर। तो ये तीनों साइड का रेशो इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी, अगर तीनों साइड का रेशो इक्वल आ जाए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर तीनों साइड्स का रेशो इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। और इसको लिखते कैसे हैं, देखिए ये मैं आपको हर क्वेश्चन में बताऊंगा, हर तीसरे चौथे क्वेश्चन में बताऊंगा बार बार, इसको ध्यान रखें, अगर ये गलत हो गया क्वेश्चन आगे कभी सही नहीं होगा। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है, गलत है, गलत हो गया, एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर नहीं है। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं, फिर यहां पर भी एंगल से देखा जाता है, ये एंगल कितना है 80, और यहां पर 80 कौन है Q, ऐसे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग ही एंगल चलते हैं लिखने में भी, ठीक है। अगर जिसने ये समझ के मैं आ गया वो कभी गलती नहीं करेगा, जो टीचर कहते हैं ना बच्चों को कभी समझ में नहीं आएगा, वो टीचर्स इन बातों को बताते नहीं है शायद, वो इन बातों को वैल्यू नहीं देते, और शायद उनको पता ही नहीं है कि ये गलत लिखने से आंसर गलत आता है, और फिर वो आखिर में जुगाड़ बेड़ी करते रहते हैं, ठीक है। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं, मतलब एक दो टीचर लेकिन ऐसा कर देते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि अगर रेशो गलत लिख दिया तो आंसर गलत आएगा, फिर वे जुगाड़ बेड़ी करते हैं, ठीक है। तो एबीसी ध्यान रखिए इस बात को, एबीसी तो एंगल ए लिया मैंने, मान लीजिए ए 80, ठीक है, तो यहां पर 80 लूंगा क्यू, अब लिया था बी लिया था 60, तो यहां पर आएगा 60 पी, ठीक, सी है 40 और यहां पर 40 है आर। तो देखिए पी क्यू आर और क्यू पी आर अर्थ का अनर्थ हो गया। अब बच्चे के दिमाग में आई, सर मैंने पी क्यू आर लिख दिया तो क्या गुना कर दिया, बहुत अच्छी बात कह रहे हो बच्चे, गुना तो जब पता लगेगा जब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखिए
ये रेशो पता कैसे लिखा जाता है? सर अभी तो आपने बताया एंगल से लिखा जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये एंगल ना दिए हो, क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया जाए, तो यहां से साइड का रेशो कैसे लिखोगे आप? अगर मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है, मान लीजिए कैसे भी आप प्रूफ करके ले आए ये आपको दिया है, कैसे भी कुछ भी मान लीजिए, आपको इससे साइड का रेशो लिखना है। चलिए मैं लिखता हूं साइड का रेशो, फिर मैं इससे लिखूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि अर्थ का अनर्थ हुआ या नहीं हुआ। चलिए तो साइड का रेशो ऐसे लिखते हैं, अगर इसकी फर्स्ट टू लेंगे आप तो इसकी फर्स्ट टू लेंगे, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग चलता है, रेशो भी रेशो कॉरेस्पॉन्डिंग चलता है, यहां से बताया था। लेकिन अगर आप ट्रायंगल से पिक करोगे बेटा तो भी कॉरेस्पॉन्डिंग ही चलना है, ट्रायंगल से पिक करने में भी ए बी ए बी, देखिए यहां का बीसी लूंगा मैं, बी सी, और ये आ गया आपका क्यू आर, और ये लूंगा मैं आपका ए सी, और यहां पे आ गया आपका पी आर, समझ लीजिए ए बी, ए बी के साथ पी क्यू आएगा, और अब आया ए सी, ए सी के साथ आएगा पी आर, देख लीजिए ए सी के साथ पी आर, फिर आया ये बी सी, बाद के दो लास्ट टू, तो इसमें भी लास्ट के टू क्यू आर क्यू आर। चलिए अब इससे देखते हैं, ए बी अपॉन क्यू पी, क्यू पी लिखे या पी क्यू एक ही बात है सर, देखिए मजा आ रहा है, सेम आ रहा है। चलिए देखते हैं बी सी, बी सी के साथ यहाँ क्या आएगा पी आर, ये सारा मजा निकल गया। पेपर में क्या रहा था ये प्रूव करके दिखाइए, और आपका ये आ रहा था, और जुगाड़ ढड़ी करते फिर रहे हैं, केवल जुगाड़। आपको पता ही है टीचर ने क्या नोटिस करना है, टीचर ने यही नोटिस करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है नहीं आ रहा है, कि बीसी के सामने क्यू आर है, देखिए बीसी के सामने क्यू आर नहीं है, क्वेश्चन गलत। आपको ये बात पता भी नहीं लगे, पूरे साल हो गए पढ़ते हुए, कि कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है, बार बार बता रहा हूं कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है, ठीक। और अब यहां पे क्या आएगा आपके साथ, एसी के साथ, एसी के साथ आएगा क्यू आर, एसी के साथ देखिए क्यू आर, यहां आया पी आर। थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वीडियो को आप इसको दो तीन बार देखें, जब आप इसको वीडियो को दो तीन बार देखेंगे तो ये आपको लॉजिक बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। मैं आपको ये बात दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, यहाँ तो मैंने आपको बताया और साथ में गलत बात भी बताई कि गलत क्या हो सकती है सही क्या हो सकती है, तो मैं इसको अभी क्या हुआ रब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो है, वीडियो बैक करे और देखे, रब करने की चिंता क्यों कर रहे हो। देखिए हम आपको कह रहा है ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीएफई, बना लीजिए कुछ भी जो जी में आए बना लीजिए, नहीं बना सकते, ए के सामने डी लिखना है आपको, क्योंकि आपको सिमिलर दे रखा है, ए के सामने डी लिखिए, बी बी के सामने एफ लिखिए, सी के सामने ई लिखिए, सी के सामने ई लिखिए, अब हो गया इसका इसके साथ रेशो, इसका इसके साथ रेशो, और इसका इसके साथ रेशो, बिल्कुल सेट बैठेगा। अब आप कॉरेस्पॉन्डिंग आपने सामने ले सकते हैं, इसके साथ ये, इसके साथ ये, और इसके साथ ये, एक और कॉरेस्पॉन्डिंग में इसके साथ आपने लिखा तो इसके साथ ये नहीं, आप पहले ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, रेशो है, तो आप कोई सा भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दे रखे हैं तो ट्रायंगल इसको पढ़ के बनाइए। अगर आप मेरी बात को नहीं सुन पाते, आपको ये रूल नहीं पता होता तो आप क्या गड़बड़ करते हैं? लो जी सर हो गया है ना, यही करते ना आप, यही करते डीईएफ, क्योंकि आदत पड़ी भी है, आदत बुरी नहीं है, आदत अच्छी आदत बुरी, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में अगर आपने पढ़ के ट्रायंगल नहीं बनाए, क्वेश्चन कतई सोल्व नहीं होने का, लिख के रख लीजिए, ठीक हो गया। यहां पर एंगल ए डी के भी इक्वल है, यहां से भी दिख रहा है एंगल ए डी के इक्वल है, बी ई एफ के इक्वल है, और सी एंगल ई के इक्वल है, एंगल भी इक्वल है और साइड प्रपोर्शन में, साइड इक्वल नहीं होती, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, टीचर भी जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं कि प्रपोर्शनल की जगह इक्वल, पता ही नहीं होता कि क्या करना था क्या नहीं, और गलत हो गया बच्चा, खुश बोर्ड के एग्जाम में गलत हो गया, होम एग्जाम में भी खुश था, ट्यूशन में भी खुश था, लेकिन बोर्ड में मार्क्स नहीं मिले, अपना सिर्फ परेशान, अपना सिर्फ बोल रहा है क्या गलती हो गई, गलती यहां हुई है,
ठीक है। देखिए आपको होम एग्जाम का फायदा होता है क्योंकि आपको अपनी कमियां पता लग जाती हैं और यही इसलिए होम एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। तो मैं कमी आपको यहां बता रहा हूं जो आप होम एग्जाम में भी नहीं करोगे। कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स आर इक्वल, ठीक हो गया। इसके अंदर सिमिलरिटी में एंगल भी इक्वल होते हैं, एट लीस्ट टू एंगल्स आर इक्वल। अब आइए एट लीस्ट टू एंगल्स क्यों कहा गया, देखिए सीधी सी बात है, एट लीस्ट टू एंगल्स आर इक्वल का मतलब क्या हुआ, देखिए दो एंगल इक्वल है 60 और 40, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बिल्कुल, क्योंकि थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो गया, ऑटोमेटिक है। आपको टीचर 10th क्लास के बच्चे हैं आप, 60 40 180 बचता है, 60 40 180 बचता है। तो अगर दो एंगल भी इक्वल है तो तीसरा आपका ऑटोमेटिक इक्वल है, तो इसलिए एटलीस्ट की भी आप जरूरत नहीं है, केवल टू एंगल्स आर इक्वल। वो हम आपको सेकंड एक्सरसाइज में सिखाएंगे, सेकंड एक्सरसाइज में आपको सिमिलरिटी प्रूफ करना सिखाते हैं, तो वहां पर हम बताएंगे कि अगर दो एंगल भी इक्वल है तो आपके ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर दो एंगल इक्वल है, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो थर्ड तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा ही। तो अगर तीनों एंगल बुक में इक्वल दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं कहती, दो एंगल दे दे तो डरने की जरूरत नहीं क्योंकि दो ही चाहिए, ठीक है ना, दो ही चाहिए, से दो एंगल इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। चलिए अब बात रही इसमें, क्या इसमें एंगल आर इक्वल से काम चलेगा, नो, कॉन्ग्रुएंसी में एंगल आर इक्वल से काम नहीं चलता है, साइड्स इक्वल चाहिए होती हैं, याद है तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए या दो साइड और उनके बीच का एंगल, साइड जरूरी है इनके अंदर, दो एंगल और उनके बीच की साइड, ठीक, दो एंगल या थर्ड साइड, दो एंगल, ये दो एंगल इक्वल है, ठीक है। और कौन सी, हमने क्या कहा, साइड कोई सी भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं साइड, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब आप कहोगे सर दो एंगल के बीच में साइड तो समझ में आ रहा था, ये बिल्कुल ये भी सही था, क्यों, जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो इक्वल होगा ही, ऑटोमेटिक ये इक्वल इसके, तो दो एंगल और साइड वो ये रूल बन गया आपका वापिस, दो एंगल और बीच की साइड, ये एंगल तो आपने फाइंड आउट करके दिखाया था, तो ये भी प्रॉपर्टी है। और क्या है, आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर कहीं भी तीनों एंगल नहीं लेते, यहाँ पे हमने टू एंगल का मतलब तीनों एंगल से ही था, लेकिन यहाँ पे साइड जरूरी है, देखिए साइड, हाइपोटेन्यूज भी साइड है, साइड साइड साइड, ये साइड आपको जरूरी है, यहाँ पर साइड के बिना आप काम नहीं कर सकते, ठीक हो गया। और दो साइड और एक एंगल अगर ऐसे हो तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, इस तरह से केवल दो साइड के बीच का एंगल हो तभी प्रॉपर्टी हो सकती है, दो साइड और उनके बीच का एंगल, ठीक है ना, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो देखिए सिमिलरिटी में क्या पता लगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, टू एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए, और एक प्रॉपर्टी और है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, रेशियो ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग ही रहेगी, टू साइड्स आर इक्वल एंड इंक्लूडेड एंगल इज कॉमन या इक्वल, इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल, दो साइड लिया आपने, टू साइड्स, ठीक, रेशो, अब मैं लिख रहा हूं उसको सिंपली, ठीक है, तो ये दोनों साइड रेशो में है, कौन कौन सी, ए बी के साथ पी क्यू और ए सी के साथ पी आर। देखिए रेशो ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स का रेशो इक्वल है, ए बी पी क्यू ए सी पी आर आ गया इक्वल, एंड इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल ए एंड पी, एंगल ए एंड पी, तो ये कंडीशन अगर आ जाए तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब रही सिमिलर का साइन, तो यहां पर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, सिंगल वेव जो कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बनती है वही वाली सिंगल वेव, जो ये सिंगल वेव है
ये सिमिलैरिटी का साइन है, नोट कर लीजिए इसको, ये साइन है सिमिलैरिटी का। सिंगल वेव रीड कैसे करेंगे, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है। चाहे आप प्रॉपर इंग्लिश के साथ बोल दें या वैसे ही बोल दें, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक हो गया। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हमने शो कर दिए। तो आपके पास क्या कंडीशन आई, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग साइड था प्रोपोर्शनल, मान लीजिए इसी ट्रायंगल की है तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, दूसरे में है टू एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ए इक्वल पी मान लीजिए इसमें और एंगल बी इक्वल क्यू, कोई से भी दो एंगल, एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, थर्ड ये रही दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल, ठीक है। ये जो आपको है सारी वीडियो जो इसमें है, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई यूज नहीं है, ठीक, इसका यूज है सेकेंड एक्सरसाइज में, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल का बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। और इस वीडियो को आप दो तीन बार ध्यान से देखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट बैठ जाएगा। और मैं आपको बता दूं सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर सेकेंड एक्सरसाइज से मतलब, जब तक ये समझ में ना आए स्टार्ट मत करना, जो बच्चे इसको बगैर समझे स्टार्ट कर देते हैं वही कहते हैं चैप्टर में मजा नहीं आया। इस छोटी सी बात को अपनी लैंग्वेज में आप अपनी बुक में लिख लीजिए, नोटबुक में, और इसको कई बार स्टडी कीजिए, इसको इंटरप्रेट कीजिए कि इसका मीनिंग क्या निकला, कैसे है, क्या बात है। और मेरी वीडियो में जितनी मैंने बात शुरू से बताई है, एंगल कैसे लेते हैं, साइड कैसे लेते हैं, उन सबको दिमाग में रखिए, ठीक है। जो आपके पास यूट्यूब पे वीडियो है, इसका फायदा यही है आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, रात को 12 बजे भी आप बिस्तर में बैठे देख सकते हैं। तो इन चीजों को दिमाग में बिठाइए, उसके बाद आप उसकी सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करना और आप देखिएगा एकदम मजा आएगा। पहले क्वेश्चन से ही आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे, ठीक है। 6.1 करते हैं, 6.1 हमारे पास होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। चलिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से चलते हैं, और वहां पे सिमिलर ट्रायंगल के इन सब फंडों का कोई यूज नहीं है। तो सर बेकार समझाया, बेकार नहीं समझाया बेटा, इसी से शुरू होता है। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आपके कॉन्फिडेंस लूज है, आपको अभी इसको बार बार तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, और इसका अदर नाम थेल्स थ्योरम भी है। देखिए जनरली जो टीचर इसको बताते हैं बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, लेकिन कई टीचर्स थोड़ा ओवर स्मार्ट होते हुए लिख देते हैं स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। तो सबसे पहली बात है स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट, स्टेट मीन्स आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ होता है ये भी आपको खुद ही लिखना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको याद करना है, सबसे पहली बात आप ये दिमाग में रख लीजिए, स्टेटमेंट लर्न करना है और दो तीन बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। स्टेट वन मार्क, ठीक हो गया, देन प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ। तो पहले स्टेटमेंट देंगे फिर प्रूफ। कुछ टीचर ऐसे होते हैं बच्चे क्या करते हैं प्रूफ कर देते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखते, उन्हें याद ही नहीं होता, प्रैक्टिस में नहीं होते, तो टीचर मार्क्स काट लेते हैं, कहते हैं कि मैंने कहा था पहले भैया स्टेट करो उसके बाद प्रूफ, तुमने स्टेट नहीं करा इसलिए प्रूफ क्या किया, जो स्टेट करना था वही तो प्रूफ करना था, जब तुमने स्टेट ही नहीं किया कि मैं क्या करने जा रहा हूं तो प्रूफ क्या किया। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर पेपर में आए स्टेट एंड प्रूफ तो पहले स्टेटमेंट हेडिंग डाल के स्टेटमेंट जरूर लिखें, ठीक है, नहीं तो आप टीचर से बहस नहीं कर सकते। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, इन इफ आ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्या मतलब हुआ, एक ट्रायंगल में इफ आ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ट्रायंगल की एक साइड ये ले लीजिए आप, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए, मान लीजिए ये ले ली, ठीक है, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन खींची गई, ठीक है, साइड के पैरेलल, पैरेलल है, चलिए ये बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, दोनों अदर साइड को इंटरसेक्ट करते हुए, चलिए ये भी सही हो गया,
ये डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, क्लियर? ठीक, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स। तो ये वाली लाइन जो बाकी दो साइड है, देखिए इसके पैरेलल तो ये है, इसके पैरेलल ये, बाकी दो साइड क्या है, ए बी एंड ए सी, ठीक है, ये पैरेलल इसके, बाकी दो साइड अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स, ये इन दो साइड की बात कर रहा है, इन द सेम रेशियो, मीन्स टू प्रूफ क्या है आपके पास, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, तो इनका रेशियो सेम है, कौन सा, ए डी बाय डी बी का एंड ए ई बाय ई सी का रेशियो सेम है। तो आई थिंक आपको थ्योरम क्लियर हो गई कि करना क्या है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आपको ये लर्न करना है, लिख लेना है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी यही लैंग्वेज है आपके पास, तो आप एनसीईआरटी से लर्न कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, इसको लर्न जरूर कर लेंगे, ठीक। अब आइए इसका प्रूफ, ये हम प्रूफ करेंगे, तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है, आइए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसके अंदर आएगी, पी एम परपेंडिकुलर, कंस्ट्रक्शन आएगी डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई, ठीक, डी एम ए ई के परपेंडिकुलर है कंस्ट्रक्शन। ई एन, देखिए जितने भी कंस्ट्रक्शन होती है उनको हम डॉटेड लेते हैं, जब हम अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं याद रखें उसको हमेशा आप डॉटेड बनाते हैं, सॉलिड नहीं बनाते, क्योंकि डॉटेड अगर आप बनाते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि आपने ये खुद से बनाई है। ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक, ये आपने दो परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन की है, एंड ज्वाइन बी टू ई एंड डी टू सी। चलिए देखिए अब आपके पास कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आ गया, कंस्ट्रक्शन में आपके पास आ गया बी से ई को ज्वाइन कराया आपने, एंड सी को डी से ज्वाइन कराया, और ये दो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके पास बेसिक बात है, ठीक हो गया, अब प्रूफ करेंगे हम। अब जरा प्रूफ आप ध्यान से समझे, आपको मैं प्रूफ दिमाग में बिल्कुल सेट करा दूंगा इसी वीडियो में, लेकिन आप इस वीडियो को थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखिए और कम से कम तीन बार देखिए। जब आप इस वीडियो को तीन बार देखेंगे उसके बाद आपको पूरे साल इस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप खुद से करने लगेंगे, अपने दोस्तों को समझाने लगेंगे, ठीक है, और उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, चैनल सब्सक्राइब भी कराइए उनको, और आपको भी देखिए कितना कॉन्फिडेंस दे दूंगा। चलिए करते हैं, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं इसके अंदर करते क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर दो आप ट्रायंगल लेंगे, ठीक, ट्रायंगल कैसे लेंगे, दो जिनसे आपके पास एडी अपॉन डीबी, देखिए मैं समझा रहा हूं, एक तो होता है कि आपने देखा और रट लिया, रटना नहीं है, देखिए मैं आपको लिंक बताना शुरू कर रहा हूं, लिंक पकड़ना शुरू कर दीजिए, एडी अपॉन डीबी लाना है आपको, एडी लाना है, ठीक, और आपको लाना है डीबी, आपको लाना है एडी, एडी किस ट्राइंगल में आ रहा है, एडी ट्राइंगल एडीई में आ रहा है, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल एडीई में एडी आ रहा है, क्लियर हो गई बात, और डीबी, डीबी आएगा ट्राइंगल डीबीई में, ट्राइंगल डीबीई, डीबीई और वो आएगा एडीई, दिमाग में रख लीजिए मैंने क्या बताया आपको। आइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, चलिए एडीई का एरिया लेते हैं हाफ, बेस इनटू हाइट, देखिए एडी में बेस है एडी, देखिए बेस एडी है, क्लियर है, बेस एडी और हाइट है ई एन, ये बेस ये हाइट परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। अब आइए ट्रायंगल डीबीई हाफ, बेस कितना है इसका डीबी और हाइट है ई एन, चलिए समझते हैं कैसे, पहले समझते हैं कैसे फिर मैं दिखाऊंगा। यहां पर जितने भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज 90 से बड़े, उन सबके परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड या हाइट
बाहर होती है, देख लीजिए। इसके अंदर आप एल्टीट्यूड यहां नहीं बना सकते, इस यहां से इसका एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर आ रहा है, ये ट्रायंगल है और इसका एल्टीट्यूड बाहर आ रहा है ऑब्ट्यूज में, एल्टीट्यूड ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल से बाहर जा रहा है, क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ बेस, ये रहा बेस, क्योंकि ट्रायंगल केवल इतना था, ट्रायंगल केवल इतना था बेस, और हाइट ये वाली आएगी, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो आएगा बेस और हाइट, ठीक हो गया। चलिए देखते हैं ट्रायंगल डीबीई में बेस कितना है, डीबी, देखिए ऑब्ट्यूज है ये और इसकी हाइट बाहर आएगी ई एन, डीबी के लिए हाइट ई एन बाहर आएगी, देख लीजिए ध्यान से, क्लियर हो गई, डीबी बेस के लिए हाइट ई एन बाहर आ रही है, क्लियर। आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आप नेक्स्ट लाइन में, हमारे पास एरिया कम है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, तो हम लिखेंगे डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, ठीक है। चलिए मैं करके दिखा देता हूं, रब कर देंगे बाद में, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल टू हाफ ए डी इंटू ई एन, हाफ डी बी इंटू ई एन, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, और ये इक्वेशन हो गई थर्ड। ठीक है, यहां तक आपने कहीं कोई दिमाग नहीं लगाया, लेकिन बात ये रही सर हमने दिमाग वाकई नहीं लगाया इसलिए हो गया, लेकिन ये आया क्यों, इसलिए आया क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी, देखिए कमाल आ गया, कमाल कुछ नहीं हुआ, हमने पहले कहा था दो ट्रायंगल लीजिए के ए डी और डी बी आ जाए, ए डी के लिए ट्रायंगल लिया था ए डी ई और डी बी के लिए लिया था ट्रायंगल डी बी ई, देख लीजिए याद आ गया, हमने कहा था ना ए डी ट्रायंगल लेंगे, ए डी के ऊपर एक डीबी के ऊपर ट्रायंगल लेंगे, लिए और लेने का फायदा हुआ एडी और डीबी आ गए। चलिए अब आपको ए ई अपॉन ई सी का लिंक मिल गया, आइए और उसके लिए क्या करेंगे, आप डायरेक्ट लिख देंगे, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बहुत बढ़िया वर्ड है इंग्लिश का जो कि मैथ में हम बहुत काम लेते हैं, सिमिलरली, सिमिलरली बिल्कुल इसी प्रकार जैसे कि हमने ये किया है यहां से यहां तक, सिमिलरली उसी तरह से ट्रायंगल ए ई डी, देखिए आप ए ई डी उधर देखिए आप फिगर में, ए ई डी अपॉन ई सी डी, देखिए आपको ए ई और ई सी चाहिए ना, ए ई और ई सी, देखिए ए ई ई सी, ए ई ए ई कौन से ट्रायंगल में आया, ए ई डी, ए ई ए ई टी ई सी, ई सी डी, ई सी किसमें आया, ई सी डी, देखिए उधर से लेके चले थे अब इधर से लेके चले हैं, ट्रायंगल मीन्स इधर से खड़े होकर देखा आपने ए ई के ऊपर और ई सी के ऊपर, ठीक हो गया, उधर से देखे आपने ट्रायंगल, तो डायरेक्ट लिख दीजिए क्या ए ई अपॉन ई सी, लीजिए कितना बढ़िया काम रहा ये, इसने इतनी सारी मेहनत की और इस सारी मेहनत का यूज इसने कर लिया सिमिलरली वर्ड ने, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब दोनों को इक्वल दिखाना है, दोनों को इक्वल दिखाना है, दोनों को भी करोगे जब ये एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ये भी इक्वल होगा, इसे भी इक्वल करेंगे और एलिमिनेट कर देंगे, तो ये दोनों क्या इक्वल है देखते हैं, ए डी ई ए डी, अरे न्यूमिनेटर इक्वल आ गया बिना देखे, क्या डिनोमिनेटर इक्वल है डी बी ई अलग है, डी बी ई ई सी डी दोनों अलग है, ठीक है। चलिए फिगर में देखते हैं क्या होता है, ये हो जाए डी बी ई टी बी ई, ये वाला डी बी ई, ठीक है, ई सी डी, ये दोनों ट्रायंगल, क्या ये दोनों ट्रायंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएं तो भैया ये इक्वल है ये भी इक्वल है, तो इट मीन्स एल एच एस इक्वल, तो आर एच एस तो इक्वल होगी और हेंस प्रूफ, ठीक। क्या ये दोनों इक्वल है, नाइन्थ क्लास में आ जाइए, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल हैव इक्वल एरियाज, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल हैव इक्वल एरियाज, याद आ गया, बस हो गया काम, देखिए तो एरिया ऑफ डीबीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल
ई सी डी, ठीक है ना, डी बी इक्वल एरिया ई सी डी। जरा देख लेते हैं वीडियो में, कट तो नहीं रहा है, नीचे बोर्ड काफी नीचे तक आ गया, वीडियो में कट तो नहीं रहा है ये, एक सेकंड, कट बस हो गया पूरा, एक लाइन आ जाएगी हमारी। तो इसका रीजन देंगे आप, सिंस बोथ आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और ये हो गई फाइव, ये दोनों एरिया इक्वल हो गए, बोथ आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, क्वेश्चन खत्म। बाय थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड ये पूरा, फोर्थ एंड फिफ्थ, इससे क्या पता लगा कि ये इससे, इसकी हेल्प से ये और ये इक्वल हो गया, एडी एडी डीबीई ईसीडी ये दोनों इक्वल है, तो एलएचएस दोनों की इक्वल हो गई। तो बस निचोड़ दीजिए, छलनी में से जो निकलेगा वो बचा दीजिए, छलनी में से ये निकला भैया, छलनी में से ये निकला, सब हो गया, हो गया प्रूफ, ठीक है। कुछ बच्चों को आ रहा होगा दिमाग में, जैसे क्लास में क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, सर एक बार और बता दीजिए, मजा आ जाएगा, पक्का हो जाएगा, सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा, कितने कितनों के दिमाग में ये बात आई कि सर एक बार और बता दीजिए और ये तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, आई ना, लगभग सबके ही दिमाग में आ गई है ना। कुछ नहीं करना है आपको, वीडियो बैक करके देख लीजिए, वीडियो बैक करिए, देख लीजिए प्रूफ, ओके पक्का, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, ठीक है, देखने देखने में ही पक्का हो जाएगा, उसके बाद जब आप कॉपी लिखकर लिखने बैठेंगे कहीं नहीं अटकेगा, कहीं नहीं अटकेगा ये बीपीटी आपका, ठीक है। इसमें एक कोरोलरी भी दे रखी है बुक में आगे, क्या अगर इसमें वन ऐड कर दे तो क्या होगा, ठीक है, अगर इसमें वन ऐड कर दे तो क्या होगा, चलिए इसके अंदर हम आपको देखते हैं। एक सेकंड, यहां पर गड़बड़ हो गई आपकी, ये क्या था, एडी, तो अगर इसमें वन ऐड कर दें तो क्या होगा, आइए वन ऐड करके देखते हैं क्या होगा, चलिए यही करते हैं, वन ऐड, एडी अपॉन डी बी प्लस वन इक्वल ए ई अपॉन ई सी प्लस वन, ठीक है, तो वन लिया तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एडी प्लस डी बी अपॉन डी बी इक्वल ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, चलिए वन ऐड किया और एलसीएम लिया, एडी प्लस बी डी, एडी प्लस बी डी, एडी प्लस बी डी कितना हो गया, ए बी, तो ए बी अपॉन डी बी, और यहां से आ जाएगा ए सी, देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ए सी अपॉन ई सी, ये भी आपके पास एक प्रूफ आ गया, कहने का मतलब ये है ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी मीन्स अगर आप पूरी साइड का छोटे पोर्शन से रेशो लें तो वो भी इक्वल आता है, कहने का मतलब क्या हुआ, दोबारा समझिए इस बात को, इस वाली बात को दोबारा समझिए वहां, कि जब हम कहते हैं साइड सारा दिन सेम रेशो, तो इसका मीनिंग क्या क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एडी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, इसका मीनिंग एक और होता है एडी अपॉन, एडी अपॉन ए बी, दिस अपॉन टोटल, इसका पूरे से ए ई अपॉन ए सी, ठीक, या डी बी, इस छोटे का डी बी अपॉन ए बी, डीबी के साथ पूरा ए बी आया, डीबी डीबी का मतलब ईसी, कॉरेस्पॉन्डिंग होता है ना ईसी, ईसी के साथ पूरा पूरा मतलब एसी, तो अगर आप ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, लिखते हैं, लिख सकते हैं कुछ भी, बाय बीपीटी, जब आप क्वेश्चन करते हैं और आपको किसी भी एक रेशियो की जरूरत हो तो आप बाय बीपीटी लिख के कर सकते हैं, ये भी तीनों वैलिड है बीपीटी में, ठीक है, जब आप क्वेश्चन प्रूव करते हैं तो बीपीटी में तीनों वैलिड है आपके पास, ठीक है, आपको देखो ये लिखा है, ये रेसिप्रोकल लिखा है, इसका फर्क नहीं पड़ता इससे, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करके वन ऐड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके वन ऐड करेंगे, रेसिप्रोकल करके तो ये वाला प्रूफ आ जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल अगर आपने सीधा ऐड कर दिया वन तो ये वाला प्रूफ आ गया, और इसका रेसिप्रोकल करके वन ऐड करेंगे तो आपका ये वाला प्रूफ आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये जो है बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा बीपीटी, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया है, वीडियो आप बार बार देख सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बीपीटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज, ठीक है, 6.1 कराऊंगा, वो आप अच्छी तरह से करेंगे और इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, प्रैक्टिस करिए।
टिल देन गुड बाय।